ओके, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. टुडे वी विल बी डूइंग सम ऑफ द एलाइड लॉज. ठीक है, लेकिन एलाइड लॉज में थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे उसको. हमें कोई इससे नहीं चलना कि वैसे तो सारा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज. क्योंकि एक क्लास में एक या डेढ़ घंटे की जो क्लास होती है उसमें बहुत सारा कवर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है ना, तो ये तो इसमें तो हमने पहले ये बनाया हुआ है भाई कहाँ कहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आ रही है. ठीक है, जो हमारे अब इमूवेबल से मुझे याद आ गया, जो ये होता है ना अपना जो लिमिटेशन एक्ट है. लिमिटेशन एक्ट में क्या है, देखिए अगर क्वेश्चन वो ये पूछता है सेक्शन 7, 8, 9, 10 में क्या एप्लीकेशन लग सकती है, 7, 9 या 10 वो एक अलग बात है. उसमें क्या है, उसमें तो लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स ही रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज द लिमिटेशन पीरियड अंडर लिमिटेशन एक्ट इज, तो फिर आपको आर्टिकल 62 के हिसाब से जाना है. मैंने आज लिमिटेशन एक्ट का वो पूरा एक्ट भी डाला है अलोंग विद शेड्यूल्स. उसमें क्या है कि अलग अलग पीरियड है, 3 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, इस तरह से अलग अलग पीरियड है. ठीक है ना, तो आपको ये देखना है अगर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन है तो फिर 3 साल ही रहेगा, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन है सेक्शन 10 तो 3 साल का पीरियड रहेगा. अगर वो उसमें रेफरेंस नहीं देता है किसी सेक्शन का और वो सिर्फ लिमिटेशन एक्ट पर ही सवाल पूछता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट शैल बी द लिमिटेशन पीरियड अंडर लिमिटेशन एक्ट, तो फिर आपको आर्टिकल 62 को रेफर करते हुए जवाब देना है. ठीक है, आइए थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर चलते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ तो बेसिक डेफिनेशंस है, जैसे प्रपोजल है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है. ठीक है ना, आजकल इस पर इतना ध्यान नहीं है इनका. ये क्वेश्चन क्या होता है, कोई बता सकता है, कोई भी अनम्यूट करके बताइए क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज क्वेश्चन, कैन यू डिफाइन इट. ये तो बहुत सिंपल है, धमकी वमकी देके सर डरा के. हाँ, तो क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड 1860 और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन any property to the prejudice of any persons whatsoever with the intention of causing any person to enter into an agreement. ठीक है, जरूरी नहीं है कि धमकी उसी आदमी को दी जाए जिससे agreement करना है. ठीक है ना, धमकी किसी को हो सकती है, agreement किसी और के साथ भी हो सकता है. भाई आपके बच्चे को उठा लेंगे अगर आप ये property वाला contract मेरे साथ नहीं करोगे. ठीक है, इस तरह से so coercion is the committing or threatening to commit. तो कमिटिंग ऑफ एक्ट भी आ जाएगा और थ्रेटनिंग टू कमिट भी आ जाएगा, या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. ठीक है, अच्छा, व्हेन बोथ पार्टीज टू एनी एग्रीमेंट अंडर आर अंडर ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, तो इन दैट सिनेरियो क्या ऑप्शन होगी, एक तो है एग्रीमेंट इज वॉइड, दूसरा है एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड, तीसरा है एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, चौथा है एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल एट लॉ. क्वेश्चन है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट. मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है, एक आदमी के पास 2 घोड़े हैं, वो अपना 1 घोड़ा बेचना चाहता है, वो सोच रहा है कि मैं सफेद घोड़ा बेच रहा हूं, जो दूसरा खरीद रहा है वो कह रहा है, वो सोच रहा है मैं काला घोड़ा खरीद रहा हूं. ठीक है, तो बोथ दी पार्टीज आर अंडर ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट. तो इसको एग्रीमेंट को क्या, ये वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, क्या होगा, वॉइड होगा सर, वॉइड होगा. अच्छा, इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सेवरल कंसिडरेशंस फॉर ए
सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ठीक है, मतलब यह है कि दो पार्ट है कंसिडरेशन के, कुछ उसमें से लॉफुल है, कुछ पार्टली लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंगल है, ठीक है, तो उस केस में एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, क्या होगा? क्वेश्चन ये है, इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशंस फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल देन द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो उस केस में भी वॉइड होगा, ठीक है, अगर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है तो वो वॉइड होगा। अच्छा, क्या कंसिडरेशन जरूरी है? जरूरी है, yes. नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। किन केसेस में जरूरी नहीं है मैं बता देता हूं। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, पहला, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, तो उस केस में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, गिफ्ट डीड है जैसे। If it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do, ठीक है, एक आदमी ने आपके बेटे को डूबने से बचाया, legally compellable नहीं हो कुछ देने के लिए, लेकिन आपने फिर भी उसको कुछ दिया, तो उस केस में जो है इट इज ए प्रॉमिस टू कंपेंसेट, ठीक है, उस केस में भी कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। तीसरा क्या है, इट इज ए प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयरविद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ टू पे होली और इन पार्ट ए डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सोर्स, तो अगर मतलब कोई टाइम बार्ड चीज हो चुकी है फिर भी आप उसकी पेमेंट कर देते हो, यू मेक ए प्रॉमिस, आप प्रॉमिस कर सकते हो, टाइम बार्ड हो चुका है डेट, फिर भी आप प्रॉमिस कर देते हो भाई मैं दे दूंगा, ठीक है, तो इन सब चीजों में कोई जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन रिक्वायर्ड हो। कई बार ये भी होता है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, तो कंसिडरेशन में भी देखो कंसिडरेशन के ऊपर काफी सारे सवाल आ सकते हैं, तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, इट में भी प्रेजेंट, इट में भी फ्यूचर, ठीक है। और दूसरी बात यह कि कंसिडरेशन जो है ना इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, मैं 50 लाख का मकान अपना 5 लाख में बेच रहा हूं किसी को, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, डरा धमका के नहीं होना चाहिए, कोएर्शन नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, अच्छा, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ ए मेजर पर्सन इज वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, लीगल है, क्या है? अगर कोई भी मेजर आदमी ये कहता है कि भाई मैं मैरिज नहीं करूंगा, ठीक है, या तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, ऐसे ही जो एग्रीमेंट्स है विच आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दे आर ऑल्सो वॉइड, ठीक है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये सब जो है ये वॉइड एग्रीमेंट्स है। या एग्रीमेंट नॉट टू सू, ये भी वर्ड है, एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस एनफोर्स हिज राइट इज वर्ड, ठीक है, आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो कि भाई मैं अपना फॉरगो करता हूँ राइट टू सू, तो ये भी वर्ड एग्रीमेंट है। बिस्किट का डब्बा दो, इसी तरह से कुछ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मे हैपन और मे नॉट हैपन, बेसिकली बेटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं जुआ टाइप का, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड वेयर एज ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, भाई आपका शिप जा रहा है, आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो कि भाई अगर ये शिप एक साल के अंदर वापस नहीं आया तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, या शिप एक साल से पहले डूब जाता है तो आप पैसे दे दो, इस तरह से ये होते हैं
जो कि डिपेंड करते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। इवेंट जो है वो कोलेट्रल है, ठीक है, आपका एग्रीमेंट अलग है, वो आपका एग्रीमेंट क्या है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा सा देखते हैं कि सपोज एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज है। उसके पास ही में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ही में सू फॉर डैमेजेस, तीसरा है ही में सू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सूट अपॉन क्वांटम मेरिट क्या होता है, हमने सुना होगा सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न्ड, मतलब ये कि आपने 500 क्विंटल राइस सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था, आप 100 क्विंटल ही ऑर्डर कर आप सप्लाई कर पाए, बाकी आपने सप्लाई नहीं किया तो आपको 100 क्विंटल्स के पैसे देने पड़ेंगे। ये होता है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है टू पुट द रेस्टिट्यूशन, मतलब टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजिशन, द पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन हैड देयर बीन परफॉर्मेंस नॉट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है टू कंपेंसेट फॉर द पेक्यूनरी लॉस विच नेचुरली फ्लोज फ्रॉम द ब्रीच। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब कि उस पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस बात से। जैसे मैंने बताया कि भाई आपने ए क्वालिटी गुड्स सप्लाई करने थे, अब ए क्वालिटी गुड्स मार्केट में 100 रुपीज के अवेलेबल है, आपने वो गुड्स सप्लाई नहीं कर पाए, आपने उसको उस हिसाब से पेमेंट कर दी, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन में आ जाएगा। टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजिशन, जैसे अगर मान लो परफॉर्मेंस होती तो क्या होता, वैसी ही पोजिशन। अच्छा, इंडेमनीफायर कौन होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर वो होता है जो की भरपाई करता है, और इंडेमनीफाइड होता है जिसकी भरपाई की जाती है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इनफ, राइट सर? हाँ, ये है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड इज कॉल्ड द इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, एंड द पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड द इंडेमनीफायर, इसको कहते हैं इंडेमनीफायर, और जिसका लॉस भरपाई करनी है उसको कहते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। कुछ बेलमेंट पर देख लेते हैं। बेलमेंट में दो लोग होते हैं, एक तो होता है बेलर, एक होता है बेली, ठीक है। तो बेसिक बात यह है, एक तो डिलीवरी तो जरूरी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, कंसिडरेशन अलग से, मनी कंसिडरेशन हो ना हो, मैंने अपनी वॉच रिपेयर के लिए दे दी, ठीक है, मैं बेलर हूं, वो जो रिपेयर वॉच रिपेयर करने वाला वो बेली है, टेलर है, मैंने अपनी शर्ट स्टिचिंग के लिए दी है, मैं बेलर हूं, वो बेली है, ठीक है। मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई मेरी गाड़ी रख लो, तो मैं बेलर हूँ, वो बेली है। तो द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड, जो डिलीवर कर रहा है उसको क्या कहेंगे, बेलर या बेली? बेलर, हाँ बेलर। और बेली मींस द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड, ठीक है। और बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली एंड रिटर्न ऑफ द गुड्स From the bailee to bailer. हाँ, वो तो है ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डिलीवरी है ये एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, ठीक है। मैं अपने घर की चाबियां दे दिया बस, तो आप ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, ठीक है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है फिर पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन में क्या होता है,
कि जो गुड्स मैंने दिए थे बेलमेंट के लिए उन्हीं गुड्स पर उसका अधिकार है बेली का, ठीक है। मैंने टेलर को शर्ट दी, ठीक है, मैं उसके पास गया कि लाओ जी मेरी शर्ट दे दो, वो कहेगा लाओ पैसे दे दो, ठीक है। अगर मैं उसको पैसे नहीं देता तो वो उसको शर्ट रखने का अधिकार है, ठीक है। इसको कहते हैं पर्टिकुलर लियन। और जनरल लियन क्या है? तो पर्टिकुलर लियन में क्या होता है, ए राइट टू रिटेन द पर्टिकुलर गुड्स अंटिल द पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इज रिसीव्ड, ठीक है। मैंने अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए दी, मैं उसके पास गया कि भाई मुझे वॉच दे दो, वो कहेगा लाओ जी पैसे दे दो, अगर मैं उसको पैसे नहीं देता तो वॉच रखने का अधिकारी है, ठीक है। ये होता है पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन क्या होता है? जनरल लियन में होता है ए राइट टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट लॉफुली ड्यू प्रोवाइडेड द पार्टी प्रॉपर्टी इज इन द पोजिशन ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट, उसको कहते हैं जनरल लियन। और बैंकर्स का क्या होता है? नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी बैंकर्स हैव जनरल लियन, नॉर्मली बैंकर्स का जनरल लियन रहता है। यही बेलमेंट और प्लेज की कॉन्सेप्ट है। बेलमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई सी फैसिलिटी बैंक से ली तो ये बेलमेंट की डेफिनेशन में आता है। लेकिन अगर हमने कोई प्लेज किया हुआ, जैसे एक तो ये होता है कि भाई हमारा जैसे गोडाउन है, गोडाउन के ऊपर वो लिखवा देता है फाइनेंस्ड बाय या अंडर अरेंजमेंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे वो वहां पर अपनी एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या होती है कि अंडर लॉक एंड की रखते हैं। जैसे हमारा एक गोडाउन है, गोडाउन में हमारा 10 करोड़ का माल पड़ा हुआ, हमने बैंक से फैसिलिटी ले रखी है। तो प्लेज में क्या होता है, मान लो हम वहां से 1 करोड़ का माल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक में पहले पैसे जमा कराएंगे और वो फिर बैंकर को लेटर लिखेंगे कि भाई हम ये सामान निकालना चाहते हैं। ये होता है प्लेज। प्लेज में अंडर लॉक एंड की बैंक रहता है और बेलमेंट में जो है जनरल लियन रहता है, कोई लॉक एंड की नहीं रहता, ठीक है। तो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड एज प्लेज, इसको कहते हैं प्लेज। अच्छा, एजेंट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एक मेजर ही एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है, तो हु में एम्प्लॉय एजेंट, मेजर, माइनर, अनसाउंड माइंड, लुटेंडिक, तो मेजर ही कर सकता है। और जो एजेंट है, एजेंट कोई भी हो सकता है, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज हु मे बी एन एजेंट, एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये है, माइनर भी एजेंट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लायबिलिटी नहीं रहेगी उसकी नेचुरली, लेकिन एजेंट तो हो सकता है, क्योंकि एजेंट में क्या है, एजेंट में कहता है कि एनी पर्सन मे बी बिकम एन एजेंट, ये सेक्शन 184 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन हु मे बी एन एजेंट, एनीवन, एनी पर्सन कैन बी एन एजेंट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है एजेंसी में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ना, इसके लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। और इन एन एमरजेंसी एन एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एंड ऑल सच एक्ट्स व्हिच ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस डू अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस का एग्जांपल कई बार देता हूं, सब्जेक्ट टू लॉफुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। अच्छा, ये जो सब एजेंट होता है, सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट, ये सब एजेंट की डेफिनेशन। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्ट है, ठीक है, of a person, it can be ratified by the principal in full, ठीक है, ये fully ही आप ratify कर सकते हो। ये नहीं कह सकते भाई मैं आधा part ratify करता हूँ आधा नहीं। तो ratification of unauthorized act of a person can be ratified by the principal in full। तो हाउ द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड, एजेंसी कैन बी क्रिएटेड या तो उनका कोई आपस में एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाए, या बाय रेटिफिकेशन हो जाए, पहले काम कर लिया बाद में रेटिफिकेशन हो गया, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे मैंने बताया इन केस ऑफ नेसेसिटी।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तो जितने भी एक्ट्स हैं सारे दे हैव एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया। पहले ये होता था कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स जे एंड के पर एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन अभी जो है ये आया था हमारा 31st October 2019 से। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे शायद 35 एक्ट्स के करीब थे जिन पे जो है ये सारे एक्ट्स जो है जे एंड के पे एप्लीकेबल हो गए थे, वो जब 370 हटा था। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एक तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रॉमिसरी नोट की, कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट पहली बात तो ये है कि ना तो ये बैंक नोट है ना ही करेंसी नोट है, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये होता है प्रॉमिसरी नोट। डेबिट साइड प्रॉमिसरी नोट्स विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। Actionable claim we can sell under which act, sir? कौन सा? Actionable claims we can sell under which act? Actionable claims. It's not sold. It is settled. It is settled. It can be transferable. Yes, it is transferable. Under which act we can? That I have to check. अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। देखो ये जस्ट रिवर्स है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये जस्ट रिवर्स है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ कर रहा है? जो जिसने लेने हैं पैसे। प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा है? जिसने देने हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो basically ये unconditional order है, ठीक है। वहां पर क्या था? unconditional promise था। तो basically देखा जाए unconditional undertaking है वहां पर signed by the maker। तो promissory note और जो bill of exchange है they are just the reverse। और bill of exchange में कितनी parties होती हैं? bill of exchange में parties होती हैं तीन, ड्रायर, ड्राई और पेई। और चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक इसमें आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो ये है कि हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी एंड विदाउट नोटिस एज टू द डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। आपको रास्ते में पड़ा हुआ एक चेक मिल गया, यू आर नॉट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, यू आर सिंपली ए होल्डर। तो होल्डर अलग है, होल्डर इन ड्यू कोर्स अलग है। जो सबसे आखिरी में रह गया सर। हाँ, और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ही कैन सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है। तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो जो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है,
बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है या चेक भी हो सकता है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ड्रॉन भी इंडिया है और पेबल भी इंडिया में है, तो ये हो गया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्रॉन या मेड पेबल है ये है ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, बनाया गया बाहर, पेबल है इंडिया में, तो वो है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और बनाया भी गया इंडिया में, पेबल भी इंडिया में है, तो वो इनलैंड है। एक ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई, काफी बाद में दी गई है, सेक्शन 13 में दे रखी है डेफिनेशन, नॉर्मली 2 या 3 सेक्शन में होती है। अच्छा, जो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर है वो कहां पर होती है, वहां जहां पर भी इंस्ट्रूमेंट मेड है। ठीक है, तो जिस कंट्री में इंस्ट्रूमेंट मेड है तो उसके लॉ अप्लाई होंगे इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स। एक सेक्शन 138 भी इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 138 क्या बोलता है, ट्वाइस द अमाउंट एंड हाँ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और विद बोथ, तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, 2 साल की सजा या ट्वाइस द अमाउंट या दोनों 138 में। उसमें सर विलफुल और देख वो भी है सरकमस्टेंसेस। वो तो है ही। ठीक है, तो ये क्या कहता है, 138 बोलता क्या है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद ए बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provisions be punishable with, okay, 2 years, double fine, both. इसमें एक और बात है, ये प्रोविजो बी क्या कहता है कि आपने अगर 138 इन्वोक करना है तो जो पेई है या जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ऑफ द चेक He shall have to make a demand for the payment of by giving a notice in writing to the drawer of the check within 15 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check. So, jab from receipt of information, aapko 15 din. ठीक है. अगर 15 दिन में नहीं दिया तो time barred हो गया. हाँ. और for invoking the provisions of section 138, whether a legally enforceable debt or other liability should exist, yes. तो एक legally enforceable debt या लाइबिलिटी होनी चाहिए तभी। अगर लीगली इनफोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी नहीं है, अगर चेक डिसऑनर भी हो गया तो भी आप एक्शन नहीं ले सकते, फर्क नहीं पड़ता। और कौन से कोर्ट इसको कर सकते हैं, ये कहता है जी, हाँ, कोर्ट नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ ए
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये इसको एंटरटेन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं, अच्छा ये भी है भाई, इसमें 143 क्या बात करता है, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 में ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपेंसेशन टू द कंप्लेनेंट। तो इसमें इंटरिम कंपेंसेशन का भी कॉन्सेप्ट है, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है। तो इंटरिम भी दे देते हैं 20%। अच्छा अगला देखते हैं, ये जो इंटरिम कंपेंसेशन है आपको यू हैव टू पे विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एज मे बी डायरेक्टेड बाई द कोर्ट ऑन सफिशियंट कॉज बींग शोन बाई द ड्रॉअर ऑफ द चेक, ठीक है। तो ये जो इंटरिम कंपेंसेशन है 20% की आपको देनी है विद इन 60 days या विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days। तो 30 days की और एक्सटेंशन इसमें हो सकती है, ठीक है। और ये लिखता है कि जो एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एंड इन एन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन द एपेलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट टू डिपॉजिट सच सम व्हिच शैल बी मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द फाइन और कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, ठीक है। अगर आपने अपील करनी है तो भी आपको 20% जमा कराना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट देख लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अगर आपने मैन्युफैक्चर करने हैं, कई बार होता है ना ऑर्डर पे बनाते हो आप, अलमारी है ऑर्डर पे बनाते हो, तो ये फ्यूचर गुड्स है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है वारंटी और कंडीशन की, ठीक है ना। तो अब इसमें यह है कि वारंटी क्या है, तो वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है। अगर वारंटी का ब्रीच हो गया तो यू कैन क्लेम डैमेजेस, लेकिन जो कंडीशन है इट इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस और उसका अगर ब्रीच हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ही रिपुडिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वारंटी थोड़ी कम। नहीं, कंडीशन में तो वॉइड हो जाएगा ना सर कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं नहीं, वॉइड तो नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, और कंडीशन ही पूरी नहीं लगेगी। हाँ, कंडीशन में मतलब ब्रीच कर सकते हो आप, यू हैव राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएट। आप ये मान सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट आपका रिपुडिएट हो गया, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो उसके बाद भी करना चाहो तो कर सकते हो। वॉइड तो होता ना कि जिसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं किसी भी हालत में, चाहे आप मान भी जाओ तो इस इनडायरेक्टली वॉइडेबल हो गया बेसिकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि जिससे कि जिसको कंडीशन नहीं मिली उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। हाँ वो ये, इसमें ये भी है ना कि ए ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है ना। सिमिलरली ए ब्रीच ऑफ वारंटी में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, वो ये कहता है ओनली द फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट but the second sentence is not correct, a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition, ठीक है। condition को तो आप breach of warranty मान सकते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप damages claim कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो breach of warranty है it cannot be treated as a breach of condition, इसका मतलब अगर warranty breach भी हो गई तो भी आप contract को repudiate नहीं कर सकते, आप सिर्फ damages ही मान सकते हो। नहीं सर, जैसे for example मेरे पास किसी ने मेरे को किसी ने बोला जी रेड कलर की हम गाड़ी बेचेंगे आप, और उससे गाड़ी बेच दी मेरे पास व्हाइट कलर की, तो ऑप्शन मेरी है ना, मैं उसको लूं या ना लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास है यू हैव राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ना, वो कंडीशन होगी ना वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो है ही।
ये आ जाएगा इसमें, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में आता राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ये राइट्स ऑफ अनपेड सेलर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि अनपेड सेलर होता कौन है, तो अनपेड सेलर वो है व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। ठीक है, अनपेड सेलर वो है जिसने माल तो दे दिया उसको पैसे नहीं मिले। दूसरा, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट आया उसके पास, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। तीसरा, ए सेलर हु हैज ऑब्टेन्ड मनी डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स इज स्टिल एन अनपेड सेलर इफ द डिक्री हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। तो अगर डिक्री भी मिल गई है, अगर वो डिक्री सेटिस्फाइड नहीं हुई तो भी वो अनपेड सेलर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या है, ही हैज ए लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल इज इन द पोजीशन ऑफ देम। अगर गुड्स उसके पोजीशन में तो लियन ऑन गुड्स ले लेगा। ठीक है, और राइट ऑफ रीसेल है एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट। और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। ठीक है सर, ये लेन वाला क्वेश्चन आया था, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर। अच्छा, किसी ने ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ हाँ, हाँ पूछ लेता है इसमें तो राइट, राइट है उसका अनपेड सेलर का, ही हैज ए लियन ऑन द गुड्स। मगर सर गुड्स आगे जिसको बेचे थे उसने आगे बेच दिए, फिर लेन का पोजीशन तो सेलर के पास रहता भाई है। अगर सेलर के पास है फिर तो ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। सेलर ने भी आगे बेच दिए, हाँ बेच दिए, फिर तो वो कोर्ट में जाएगा, फिर तो वहां से रिकवरी के लिए सूट करेगा और क्या, उससे तो ले नहीं सकता। जिसने अगर गुड फेथ में खरीदे हैं, फॉर कंसिडरेशन खरीदे हैं, तो उससे तो ले नहीं सकता वापस वो। तो बाद में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो सब चीज आ जाएगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नॉर्मली तब कहते हैं कि भाई जब उस वही चीज चाहिए हो, मान लो पेंटिंग खरीदी हमें तो पेंटिंग ही चाहिए, ये चीज है। नहीं, उस केस पे पेमेंट के लिए करेगा, केस करेगा पेमेंट के लिए और क्या रहता है। ना बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो ग्रोइंग क्रॉप्स है इंक्लूडेड नहीं है, ग्रोइंग ग्रास इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फिर अटैच्ड टू अर्थ का क्या मतलब है? अटैच्ड टू अर्थ का मतलब रूटेड इन द अर्थ, जैसे ट्रीज या श्रब्स, या एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स, या फिर अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू व्हिच इट इज अटैच्ड। ठीक है, कोई मान लो हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई पिलर बना रखी है, ठीक है ना, तो वो भी अटैच टू द अर्थ ही माने जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? एक्शनेबल क्लेम सर स्टैंडिंग जो ट्रीज है वो भी तो अर्थ के अंदर ही है सर। हाँ, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता वो गुड्स में आएगा इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम ये है, ए क्लेम टू एनी डेट अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यू हैव ए क्लेम टू ए डेट, लेकिन अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट व्हिच द सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंट एक्रूइंग कंडीशनल और कॉन्टिंजेंट। तो बेसिकली इट इज ए क्लेम टू एनी डेट विच इज अनसिक्योर्ड। कोई भी अनसिक्योर्ड जो क्लेम है आपका, उसमें कोई मॉर्गेज या हाइपोथेकेशन या प्लेज इन्वॉल्व नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी का या मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो दैट इज द एक्शनेबल क्लेम। इट इज ए क्लेम टू एनी डेट।
फिर मॉर्टगेज होती है, मॉर्टगेज में अलग अलग टाइप्स की मॉर्टगेज होती है। पहली तो है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज क्या है? सिंपल मॉर्टगेज में विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी। ठीक है, ये है सिंपल मॉर्टगेज। मतलब पोजेशन नहीं दिया उसने मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का। ठीक है भाई, मॉर्टगेज होती क्या है? मॉर्टगेज में होता है लोन लिया एक आदमी ने दूसरे से, उसको उसने प्रॉपर्टी देनी है। ठीक है, इसमें पहले केस में जो सिंपल मॉर्टगेज है वहां पर डिलीवरी नहीं दी जाती, विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी एंड एग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कि भाई अगर वो नहीं देगा तो मॉर्टगेजी शैल हैव राइट टू कॉज द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। ठीक है, तो वो कहता है भाई ये प्रॉपर्टी बेच करके आप अपने पैसे ले लेना। ये होती है सिंपल मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल क्या है? मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में ये है कि वेयर द मॉर्टगेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा लगता जैसे उसने बेच दी, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए मॉर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। ठीक है, उसने पेपर में लिख दिया कि भाई मैंने इस प्रॉपर्टी इसको बेच दी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि भाई अगर मैं पैसे वापस दे दूंगा तो ये सेल वॉइड हो जाएगी। ठीक है, और ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। तो इसकी ये होती है ट्रांजेक्शन इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है, तीसरा क्या है? एक होती है यूजुफ्रक्टरी मॉर्टगेज। ये यूजुफ्रक्टरी मॉर्टगेज क्या होती है? इसमें ये होती है कि भाई यहां पर क्या होता है कि आप को कई बार प्रॉपर्टी से कुछ रेंट या कुछ प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। मान लो एक किराए की प्रॉपर्टी है, उसमें किराएदार भी बैठे हुए हैं, तो वो ये कहता है कि भाई ठीक है मैं तुमसे लोन ले रहा हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसका किराया भी आप ही लेते रहना। ठीक है, किराए को इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेना। ये होती है यूजुफ्रक्टरी मॉर्टगेज। तो इसमें क्या होता है? एंड टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम इन लियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी। अच्छा, इंग्लिश मॉर्टगेज क्या होती है? इंग्लिश मॉर्टगेजर में ये है कि वेयर द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाती है। इस देखो, इसमें एक तो है इंग्लिश मॉर्टगेज, एक दूसरी है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में तो क्या है? ऑस्टेंसिबल सेलिंग हो रही है, और यहां पर क्या हो रही है? यहां एब्सोल्यूट सेल हो रही है, लेकिन उसमें भी प्रोवाइजो हो जाता है कि भाई ये रीट्रांसफर हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जैसे प्रॉपर्टी, मान लो किसी ने 50 लाख रुपए दिए किसी को, तो प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा लेते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया ठीक है अगर आप ये पैसे दे दो, सिर्फ रजिस्ट्री का खर्चा होता है, लेकिन उसका मतलब पैसे की सिक्योरिटी हो जाती है उससे। तो सब्जेक्ट टू द प्रोवाइजो दैट ही विल रीट्रांसफर टू द मॉर्टगेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज मनी। ठीक है, एक होती है फिर मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें क्या है? ये तो है कि वेर ए पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, नेमली टाउन्स ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे एंड इन एनी अदर टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई डिलीवर्स टू द क्रेडिटर रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ठीक है, विद इंटेंट टू क्रिएट ए सिक्योरिटी, इसको कहते हैं मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो आपने सिर्फ रजिस्ट्री उसके पास दे दी, कुछ कराया नहीं। ठीक है, कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं कराई, ये हो गई मॉर्टगेज। और एक होती है एनोमलस मॉर्टगेज। तो एनोमलस मॉर्टगेज होती है जो किसी में भी कंडीशन में भी फिट ना हो। तो मॉर्टगेज विच इज नॉट ए सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रक्टरी इंग्लिश और मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट विद द मीनिंग इट इज कॉल्ड एनोमलस मॉर्टगेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की मॉर्टगेजेस हैं। इसमें भी कई बार सवाल पूछ लेता है। एक वर्ड आता है इसमें पिस्नी मॉर्टगेजी। उस पिस्नी मॉर्टगेजी क्या होता है? तो पिस्नी मॉर्टगेजी में ये होता है सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी हैज राइट टू रिडीम ए प्रायर मॉर्टगेज। ठीक है, कई बार क्या होता है एक ने दूसरे को मॉर्टगेज की, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से। तो ये जो पिस्नी मॉर्टगेजी होता है ही हैज मीन्स ए सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी हैज हु हैज राइट टू रिडीम ए प्रायर मॉर्टगेज। एक इसमें मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज की कॉन्सेप्ट आती है, वो देखते हैं।
ये मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? मार्शलिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने मॉर्गेज की प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई टू मिस्टर बी, ठीक है, और फिर मॉर्गेजी एंड देन मॉर्गेज इज वाई, उसने उसके पास ए जो है उसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है और वाई प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसने दोनों प्रॉपर्टी मिस्टर बी को मॉर्गेज कर दी और फिर जो प्रॉपर्टी वाई थी ये सिर्फ सी को मॉर्गेज कर दी, ठीक है। अब अगर बी जो है इफ ही सीक्स टू रियलाइज हिज मॉर्गेज आउट ऑफ वाई, मिस्टर सी कैन कंपेल मिस्टर बी टू प्रोसीड फर्स्ट अगेंस्ट एक्स। उसको कहता भाई देख ऐसा है, इसने किसी का भी पैसा नहीं दिया, ये ए के पास दो प्रॉपर्टी थी, एक को तो उसने दोनों प्रॉपर्टी दे दी, दूसरे को एक दे दी, ठीक है। तो जिसको दोनों दी, अगर मान लो वो प्रॉपर्टी वो एक्सरसाइज करना चाहता है, पैसा नहीं मिला, तो जो दूसरा है सी वो कहेगा भाई ऐसा है मेरे पास तो एक ही प्रॉपर्टी है भाई, तेरे पास दो है, पहले तू एक्स बेच ले। ये होती है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो मिस्टर सी कैन कंपेल मिस्टर बी टू प्रोसीड फर्स्ट अगेंस्ट एक्स एंड रियलाइज द डेट फ्रॉम इट। इन केस मिस्टर बी इज अनेबल टू रियलाइज द होल अमाउंट ड्यू टू हिम फ्रॉम एक्स, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द बैलेंस फ्रॉम वाई, ठीक है। इसको कहते हैं मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन इसमें भी क्या है कि फर्स्ट मॉर्गेजी का जो राइट ज्यादा है, तो द लिमिटेशन ऑफ रूल एनशिएटेड इन मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज द क्लेम टू मार्शल मस्ट नॉट अलाउड टू प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ द फर्स्ट मॉर्गेजी और ऑफ अदर्स हु हैव एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। वो कहते हैं दोनों का काम चलता रहे, भाई एक के पास दो प्रॉपर्टी है तो जो एक के पास एक ही है तो जिसके पास दो है वो पहले दूसरी वाली बेच ले। ये फिर एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है सबरोगेशन की। ये सबरोगेशन क्या है? तो एनी ऑफ द पर्संस रेफर टू इन सेक्शन 91 क्या है, 91 में ये मॉर्गेज या पिछली मॉर्गेज की बात कर रहा है, अदर देन द मॉर्गेजर एंड एनी को मॉर्गेजर शेल ऑन रिडीमिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज हैव सो फार एज रिगार्ड्स रिडेम्पशन फोरक्लोजर और सेल ऑफ प्रॉपर्टी द सेम राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी हूज मॉर्गेज ही रिडीम्स मे हैव अगेंस्ट द मॉर्गेजर और एनी अदर मॉर्गेजी। तो दिस इज कॉल्ड एज सबरोगेशन। ये जब एक से ज्यादा मॉर्गेज होती है तो उस केस में ये फिर राइट ऑफ सबरोगेशन आता है। लीगल सबरोगेशन क्या होता है? लीगल सबरोगेशन अराइजेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और कन्वेंशनल सबरोगेशन क्या होता है? वेयर ए पर्सन पेइंग ऑफ द मॉर्गेज डेट इज ए स्ट्रेंजर एंड हैज नो इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन टू प्रोटेक्ट बट ही एडवांसेस मनी अंडर एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड दैट ही वुड बी सबरोगेटेड एंड द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द मॉर्गेजी हूज मॉर्गेज इज पेड बाय हिज मनी। इसको कहते हैं हम कन्वेंशनल मॉर्गेज, ठीक है। एक के भाई ने कुछ पैसे ले लिए दूसरे से, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, अब वो पैसे दे नहीं पा रहा, भाई कहता है भाई देखो मैं दे देता हूँ पैसे, ठीक है ना। तो वो जो दे देता है तो वो मॉर्गेजी के शूज में एंटर कर जाएगा। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सबरोगेशन, ठीक है। आगे फिर लीज के ऊपर कॉन्सेप्ट आती है कि लीज क्या है। तो लीज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसफर ऑफ ए राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। इसमें भी अलग अलग होता है कि लीज के केस में कि आपका पर्पस क्या है लीज लेने का, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ये ईयर टू ईयर ही हो सकती है, ठीक है, मंथ टू मंथ नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि जो अदर देन एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस है ये होती है आपकी मंथ टू मंथ बेसिस पे, ठीक है। और अगर आपने एक साल या एक साल से ज्यादा की लीज करनी है तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा रेंट एग्रीमेंट कराते हैं 11 महीने का, तो 11 महीने का कराने के पीछे रीजन क्या है, यही रीजन है। अच्छा,
अब अगर आप देखेंगे तो मैंने पीपीटी में बहुत सारी चीजें कवर कर दी, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कवर कर दिया, सेल ऑफ गुड्स भी कवर कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी कवर कर दिया, काफी सारी चीजें। बाकी तो ये है कि पूरा का पूरा आपके पास ये सारी पीपीटी भी अवेलेबल है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वो तो फिर ऐसा होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही 2 घंटे में खत्म होता है। कुछ बोल रहे थे आप? सर ये आज के जो एक्ट कराए हैं आपने, कितने मार्क्स के कवर हैं? 10 नंबर के, 11 नंबर के आज जो कवर हुआ है? नहीं आज नहीं कवर हुआ, उसमें ऐसा इसके अलावा भी, जैसे सेबी पर आपका लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी हाँ जी, है ना, तो ये जो है ये सारा आपका 11 नंबर का आता है। 11 नंबर में देखो क्या क्या आता है, मैं बता देता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आरडीबी, आर्बिट्रेशन, सरफेसी, एमएसएमई, रेरा, एससीआरए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, ये सारे आते हैं। थोड़ा एमएसएमई से देख लेते हैं, एमएसएमई और रेरा इसमें नहीं है ना, दूसरे में वो देख लेते हैं। क्योंकि एमएसएमई भी ना काफी सारी डेफिनेशन चेंज हुई है। अभी हम थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो ये मॉर्गेज वगैरह हो गया आपका, लीज भी हो गया, और फिर एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज में ये है कि भाई एक प्रॉपर्टी के बीच में दूसरी बीच, व्हेन टू पर्संस म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, नाइदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज, इसको कहते हैं एक्सचेंज। तो सेल और एक्सचेंज में क्या फर्क है? सेल में क्या होता है, प्राइस इज पेड इन मनी, व्हाइल इन एक्सचेंज वन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर अनदर। फिर गिफ्ट है, गिफ्ट जो है आप सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही दे सकते हो और डोनी को एक्सेप्ट भी होनी चाहिए वो। तो गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वॉलंटरीली होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, बाई वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, जिसको दिया उसका नाम है डोनी, एंड एक्सेप्टेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। तो एक्सेप्टेंस भी जरूरी है गिफ्ट के केस में। तो सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड वाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो उस केस में गिफ्ट वॉइड हो जाएगी। और ए गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड, ठीक है, फ्यूचर प्रॉपर्टी की आप गिफ्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट है तो इट में बी आइदर बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी, ठीक है। लेकिन जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट है उसमें तो क्या है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकती है और कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए उसमें। फिर अगला आता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम में ये जो ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम मे बी आइदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, हमने पैसे लेने हैं किसी से, हम उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को विद या विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 130 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम आर, इट शैल बी इन राइटिंग। अगर आपने कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करना है तो क्या होना चाहिए, ये राइटिंग में होना चाहिए। इट शैल स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी, इट शैल बी साइंड बाय द ट्रांसफरर और हिज एजेंट and on his refusal to sign by the transferee or his agent. The transferee of an actionable claim shall take it subject to all the liabilities and equities and to which the transfer was subject in respect thereof at the date of the transfer. Ek mortgage debt dekh lete hain isme, where a debt is transferred for the purpose of securing an existing or future debt, the debt so transferred, if received by the transferor,
or recovered by the transferee is applicable first in payment of the costs of such recovery. Secondly, in or towards satisfaction of the amount for the time being secured by the transfer, and the residue, if any, belongs to the transferor or other persons entitled to receive the same. So this is called as mortgage debt. ठीक है, आपने क्या किया, आपका कोई existing debt है या कोई future debt है, उसके लिए आपने एक debt transfer कर दिया. ठीक है, अब ये जो डेट ट्रांसफर किया, ठीक है, आपने किसी को पैसे देने थे, ठीक है, आपने कह दिया भैया ऐसे मैंने लेने भी है किसी से, ठीक है, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, राइटिंग में दे दिया. क्या एक्शनेबल क्लेम के लिए क्या है, राइटिंग में होना चाहिए, नाम एड्रेस होना चाहिए और साइन होना चाहिए ट्रांसफर या ट्रांसफरी से. ठीक है, अब आपने डेट ट्रांसफर कर दिया, वो रिसीव हो गया. ठीक है, इफ रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर और रिकवर्ड बाय द ट्रांसफरी. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे कैसे एप्लीकेशन और पेमेंट कैसे होगा. पहले तो अगर जो आपका कोई अगर कॉस्ट हुई है उसकी रिकवरी में वो, दूसरा अगर कोई सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग सिक्योर्ड बाय द ट्रांसफर. ठीक है, जो पैसे आपने लेने थे उसका सेटिस्फेक्शन होगा, और अगर रेजिड्यूरी होगा तो वो इट बिलोंग्स टू द ट्रांसफरर और अदर पर्सन एंटाइटल टू रिसीव द सेम. ठीक है, आपने क्या हुआ, आपने 1,00,000 रुपए किसी को देने थे, आपने कह दिया भैया ऐसा है ये 1,50,000 रुपए मैंने इस बंदे से लेने हैं. ठीक है, आपने 1,50,000 रुपए वो आपने वो एक्शनेबल क्लेम था आपका, आपने वो ट्रांसफर कर दिया, उसकी रिकवरी में पैसे लग गए मान लो 10,000 रुपए, तो 10,000 पहले निकल जाएंगे, 1,40,000 बचेंगे, 1,40,000 के बाद वो 1,00,000 रुपए अपने ले लेगा, और उसके बाद जो बाकी बचेगा 40,000 रुपए वो जिसने ट्रांसफर किया था उसको दे देगा. ये है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, देख लेते हैं थोड़ा सा. एक तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आती हैं डिक्री में, एक होती है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर. डिक्री होल्डर वो होता है जिसने पैसे लेने हैं, और जजमेंट डेटर वो होता है जिसने पैसे देने हैं. तो डिक्री जो पास होती है वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में होती है और फेवर में होती है डिक्री होल्डर के. अब बात यह है कि डिक्री होल्डर में क्या लिखा होता है, डिक्री में क्या लिखा होता है, डिक्री में ये लिखा होता है भाई ये इसकी ये प्रॉपर्टी है मूवेबल या अमूवेबल, इसको बेच करके आप रिकवरी कर लो. अब वो हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में हो, तो फिर उसमें रूल्स हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेट्स में भी हो सकती है. ये सारा फिर इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. डिक्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है. डिक्री में क्या होता है, डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. और फाइनल कब होती है, डिक्री इज फाइनल व्हेन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ द सूट. डिक्री होल्डर कौन होता है, डिक्री होल्डर इज एनी पर्सन इन हूज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूशन हैज बीन मेड. ठीक है, मतलब समझो लेने वाला. मैसने प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैसने प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट्स व्हिच द पर्सन इज इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड. ठीक है, तो उसको मैसने प्रॉफिट्स वापस देने पड़ेंगे. ये फिर समन्स वगैरह के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब अगर मान लो आपने कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट करना है, ठीक है, कोई कोर्ट का ऑफिसर है, तो नो पर्सन एक्सिक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोर्ट, कोर्ट मतलब सीपीसी,
डायरेक्टिंग और ऑथराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल एंटर एनी ड्वेलिंग हाउस, कब? आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज, ठीक है ना? तो आफ्टर सनसेट आप एंटर नहीं कर सकते, बिफोर सनराइज एंटर नहीं कर सकते, ठीक है? आफ्टर सनसाइज सनराइज या बिफोर सनसेट ही आप किसी ड्वेलिंग हाउस में एंटर कर सकते हो। अगर आपको डिग्री हो डिग्री मिल गई, ठीक है, यू आर ए डिग्री होल्डर, तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर द डिग्री? तो किसी कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो, आप कोर्ट में भी डिपॉजिट कर सकते हो, हुज ड्यूटी इज इट टू एक्सिक्यूट द डिग्री, या आउट ऑफ कोर्ट भी आप दे सकते हो टू द डिग्री होल्डर, या एज द कोर्ट विच मेड द डिग्री डायरेक्ट्स। लिमिटेशन एक्ट देखते हैं। लिमिटेशन एक्ट में नॉर्मली तो 3 years का पीरियड है, ठीक है, लेकिन 12 years का पीरियड कहाँ है वो देख लेते हैं। 12 years का पीरियड है रिगार्डिंग सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास सेक्शन 7, 9, 10 का रेफरेंस आए तो 3 साल है आंख बीच के, लेकिन अगर 7, 9, 10 की बात ही नहीं करता वो, ठीक है, वो ये कह देता है देयर इज अ सूट पेंडिंग रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर लिमिटेशन, इतना सा सवाल पूछता है। तो उस केस में आपको दिमाग लगाना है कि 12 साल या 30 साल हो सकता है, ठीक है। टू एनफोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाई ए मॉर्गेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें क्या है 12 years, ठीक है। और टाइम कब से शुरू होता है? वेन द मनी सूट फॉर बिकम्स ड्यू, तो जो जब से मनी ड्यू होती है तब से 12 साल, ठीक है। और अगर मॉर्गेज है तो मॉर्गेज में क्या है, अगर आपने फोरक्लोजर करना है, व्हेन द मनी सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज बिकम्स ड्यू, तो 30 years है। फॉर पोजेशन 12 years है, ठीक है। और फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन नॉट ऑन टाइटल, व्हेन द प्लेंटिव व्हाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड, ये 12 साल है इसमें, ये फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजेशन। एंड फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल, इसमें भी 12 साल है। तो ये आप पार्ट 5 के अंदर दे रखा है इन्होंने, तो पार्ट 5 में से आप देख सकते हो सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में तो 3 years का पीरियड है। जो टॉर्ट्स है, टॉर्ट्स के केस में क्या होता है, 1 year का भी पीरियड है किन्हीं किन्हीं केसेस में। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आपको देखना है। और आगे देख लेते हैं कुछ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, ठीक है। एक फिर पब्लिक ड्यूटी की डेफिनेशन है। तो पब्लिक ड्यूटी क्या है? पब्लिक ड्यूटी मींस अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें स्टेट पब्लिक या कम्युनिटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो है पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट कौन है? एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और रिमनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, उसको फीस मिलती हो या कमीशन मिलता हो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी इज कॉल्ड द पब्लिक सर्वेंट। स्टेट कौन है? स्टेट में कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल एक्ट एन अथॉरिटी एडेड बाय द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कंपनी, ये स्टेट के अंदर आते हैं।
अच्छा अब ये देखो कि पब्लिक सर्वेंट में और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, एन आर्बिट्रेटर टू हुम एनी कॉज हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरा, ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म ड्यूटी एज लिक्विडेटर, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। एंड ए पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्टोरल रोल, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का पब्लिक सर्वेंट है, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉई ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सारे पब्लिक सर्वेंट में आते। डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होगी? नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी तो आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जो अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ कहता है प्रोफेसर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉई ऑफ ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो होती ही वही है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से अप्रूव्ड होती है, वही होती है यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ फिर फाइन्स और पेनल्टीज के प्रोविजन है, तो ये जो फाइन्स और पेनल्टीज के प्रोविजन, इसका मैंने ना चार्ट दे रखा आपको, आप एक बार वो सारा वहां से देख लेना मेरी साइट से, वहां सारा मटेरियल हमने ऑलरेडी डाल रखा है कि कितने कितने साल की सजा होती है, क्या क्या होता है, सारी चीजें उसके अंदर कवर की हुई है हमने। अभी एक एमएसएमई से देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, एमएसएमई भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एमएसएमई की डेफिनेशन ना दो तीन बार चेंज हुई। स्मॉल में क्या आ रहा है? स्मॉल में आ रहा है इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़, टर्नओवर है 50 करोड़, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, डज नॉट एक्सीड है वर्ड, ठीक है। ये तो हो गया स्मॉल, तो स्मॉल में इन्वेस्टमेंट हो गई कितनी, 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, और टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही। माइक्रो कौन है? माइक्रो में ये है 26 जून, ठीक है, माइक्रो में 5 करोड़ है इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़, और टर्नओवर है हमारी, टर्नओवर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल में, स्मॉल में है इन्वेस्टमेंट है कितनी, इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और टर्नओवर है 50 करोड़, और मीडियम क्या है, मीडियम में आपके ये इन्वेस्टमेंट आपकी 50 करोड़ है और टर्नओवर है 250 करोड़। वेरी इजी टू रिमेम्बर, इट्स अ 5 मल्टीप्लिकेशन सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, 5 10 50, बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें एंटरप्राइज देखना कैसे है, एंटरप्राइज में जिसका भी जीएसटीएन नंबर सेम होगा उन सबको एक ही माना जाएगा। जैसे कोई जी एक फर्म है
जिसको तीन चार स्टेट में काम करती है, जीएसटी नंबर उसके अलग अलग है हर एक स्टेट से, तो फिर तो वो अलग अलग मानी जाएगी। भाई देखो ऐसा है, ये तो क्या है, बेनिफिशियल प्रोविजन है, तो हर आदमी बेनिफिट ही लेना चाहेगा इसका। भाई इसमें क्या है, इसमें क्रेडिट की कुछ फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी है, तो हाँ हर एक आदमी तो इसका बेनिफिट ही लेना चाहेगा ना। लेकिन क्या होता है, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है, अगर आप एक ही पैन नंबर है तो फिर एक ही मान लेगा वो आपकी यूनिट। सर एमएसएमई में इंपॉर्टेंट होता है डिलेड पेमेंट्स का। हाँ डिलेड पेमेंट भी है, और ये कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट प्लान मशीनरी इक्विपमेंट, ये आपकी आईटीआर से लिंक्ड होगी, आईटीआर ऑफ द प्रीवियस ईयर फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, आईटीआर से देखी जाएगी आपकी तो उस केस में सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर होगा। ठीक है, परचेज वैल्यू इनवॉइस वैल्यू ली जाएगी आपकी प्लांट मशीनरी की एक्सक्लूडिंग चाहे फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकेंड हैंड हो, तो जो भी परचेज वैल्यू ये ली जाएगी आपकी एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर बेसिस, अगर नई है या विदाउट एनी आईटीआर। अगर कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो वो आपकी टर्नओवर से एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एन एंटरप्राइज वेदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर किसी भी एंटरप्राइज का कोई भी लिमिट क्रॉस हो जाए, चाहे टर्नओवर की या इन्वेस्टमेंट की, तो क्या होगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी एंड इट विल बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जब उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एंटरप्राइज विल बी असाइंड ए परमानेंट आइडेंटिटी नंबर, वो उसका नाम होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। जो अभी इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो वेर एनी बायर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 415, द बायर शैल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एग्रीमेंट be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or the case may be from the date immediately following the date agreed upon at 3 times of the bank rate notified by the reserve bank. तो तीन गुना आपको bank rate जो है उसका तीन गुना interest आपको देना पड़ेगा जो भी आपकी appointed date है। appointed date में क्या रहती है, normally रहती है इसमें depend करता है कि भाई आपका कब payable है amount उसके ऊपर। उसको पेमेंट करनी है, अगर इतनी देर में पेमेंट नहीं करता तो इंटरेस्ट लग जाएगा।
तो जब गुड्स एक्सेप्ट हो गए आपके, उससे 45 डेज से डिले नहीं कर सकते आप पेमेंट। ये प्रोविजो टू सेक्शन 15 है, अदरवाइज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा विद मंथली रेस्ट 3 times द बैंक रेट। रेरा देख लेते हैं। एक तो इसमें फैमिली की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में कौन कौन से आते हैं। फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ, माइनर सन एंड अनमैरिड डॉटर, होली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन। तो ये फैमिली की डेफिनेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द अलॉटी बाय द प्रमोटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट शैल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच द प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे टू द अलॉटी। ठीक है, तो जितना दोनों के लिए बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो कहता है 18% मैं लूंगा तो 18% देना भी पड़ेगा अलॉटी और बायर के बीच में जो भी एग्रीमेंट है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो रजिस्ट्रेशन आपको ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 द अथॉरिटी शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ग्रांट रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज का पीरियड है। प्रमोटर को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने विद इन 6 months आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जब ये रेरा आया था, ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स पहले से ही ऑनगोइंग थे या जिसमें कंप्लीशन नहीं हुआ था तो प्रमोटर को एप्लीकेशन देनी है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। एक ये भी बात है कि भाई कितना पैसा आप यूज कर सकते हो। द प्रमोटर हैज टू गिव एफिडेविट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन दैट 70% ऑफ द अमाउंट्स रियलाइज्ड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द अलॉटीज शैल बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट अकाउंट टू बी मेंटेन्ड इन ए शेड्यूल्ड बैंक टू कवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द लैंड कॉस्ट एंड शैल बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। तो लैंड और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए 70% उसको रखना है, जितना भी अमाउंट वो लेता है, मतलब 30% अपने एक्सपेंसेस के लिए रख सकता है। और ये यहां से कब करेगा ये? द प्रमोटर शैल विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द सेपरेट अकाउंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, सर्टिफिकेट किससे लेना है? इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, कि भाई विड्रॉल जो है इट इज इन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर ये जो है यहां देखते हैं, सर इसमें कंपनसेशन और अपील के बारे में बहुत पूछते हैं, देखिए उसमें है क्या? कंपनसेशन और अपील,
हाँ अपील तो मिल ही जाएगा। सेंट्रल के खिलाफ कहाँ जाएगा और अपील में कितना पैसा मिलेगा? अच्छा इसमें यह है कि अगर प्रमोटर ने कोई अपील फाइल करनी है विद द एपिलेट ट्रिब्यूनल तो उसके लिए उसको कितने पैसे जमा करवाने हैं? एटलीस्ट 30% ऑफ द पेनल्टी। तो वेयर अ प्रमोटर फाइल्स एन अपील विद द एपिलेट ट्रिब्यूनल इट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड विदाउट द प्रमोटर फर्स्ट हैविंग डिपॉजिटेड विद द एपिलेट ट्रिब्यूनल एटलीस्ट 30% ऑफ द पेनल्टी और सच हायर परसेंटेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द एपिलेट ट्रिब्यूनल और द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द अलॉटी including interest and compensation imposed on him, if any, or with both, as the case may be, before the said appeal is heard. और अपील कौन कौन कर सकते हैं? Appropriate government, competent authority, adjudicating officer. अपील करनी कब है? आपको करनी है within 60 days. Every appeal made before the real estate appellate tribunal shall be preferred within a period of 60 days from the date on which a copy of the order made by RERA authority. अपील को डिस्पोजल कितने दिन में होगा? 60 days. इसमें एक चीज और पूछा हुआ, अंडरग्राउंड वाला पार्किंग वाला आता है कि नहीं आता है बिल्डिंग का प्लॉट में पूरा? उसमें ये है, देखिए एक तो कार्पेट एरिया है, कार्पेट एरिया में वो कहता है कि आपको इनसाइड वॉल्स इंक्लूड नहीं करनी है, सिर्फ जो आउटसाइड वॉल्स को एक्सक्लूड करना, ठीक है ना। इनसाइड वॉल्स आपके आएंगी और जो कार्पेट एरिया, कार्पेट एरिया की डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो तो नहीं आएगा। पार्किंग एरिया या जो भी स्टेयर केसेस वगैरह वो सब वेरांडा वो सब नहीं आएगा। अच्छा अगर मान लो एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी आप एग्रीव्ड हो तो आपको फिर अपील कितने दिन में करनी है? ये भी 60 डेज का पीरियड है, आपको 60 डेज में अपील करनी है टू हाई कोर्ट। अगर कोई प्रमोटर कंट्रावीन करता है को प्रोविजन का सेक्शन 3 के तो उसपे कितनी पेनल्टी है? इसमें पेनल्टी है 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ये फिर सेक्शन वाइज कॉन्ट्रावेंशन है कि अगर 59 का कॉन्ट्रावेंशन किया उसने, इफ एनी प्रमोटर डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर डिसीजंस और डायरेक्शंस इश्यूड बाय द एपिलेट ट्रिब्यूनल टू पे पेनल्टी और कंटिन्यूज टू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 मेरे ख्याल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, है ना? सेक्शन 3 इसका क्या है? सेक्शन 3 मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 3 रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो उसमें पनिशमेंट है। कितनी पनिशमेंट है आपकी? अप टू 3 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू ए फर्दर 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और बोथ। ठीक है। अच्छा अब अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, ये सेक्शन 4। सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन से नहीं। अच्छा सेक्शन 4 रिलेटेड है उससे, एफिडेविट से, जो आपने 70% उसमें देना ना, 70% आपने अलग अकाउंट में रखना है जिसको लैंड या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है। अगर उसमें आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी उसमें एनी प्रमोटर, तो उस केस में कितनी आपके पेनल्टी है? पेनल्टी है 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अच्छा 3 या 4 के अलावा अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है, 3 रजिस्ट्रेशन है, 4 है वो 70% यूटिलाइजेशन वाला, 3 और 4 के अलावा अगर कोई है कंट्रोवर्शियल तो उसमें 5% पेनल्टी, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसी तरह से जो रियल एस्टेट एजेंट है उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है।
अगर इफ दे फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 और 10 उन पर पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी इसमें है ₹10,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस विच मे क्यूमुलेटिव एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस मे बी ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फॉर विच द सेल और परचेज हैज बीन फैसिलिटेटेड एज डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी। ठीक है भाई, एक एजेंट है, एजेंट ने एक प्लॉट दिलवाया तो उसकी 5% तक पेनल्टी जा सकती है, और वैसे पेनल्टी कितनी है? ₹10,000 पर डे सेक्शन 9 या सेक्शन 10 का अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो। सेक्शन 9 10 में क्या है? सेक्शन 9 10 में यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आप एजेंट हैं तो। अगर आपको रेरा ने कोई ऑर्डर दिया उसको आपने कंप्लाई विद नहीं किया तो उस केस में आप पे पेनल्टी है 7% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। पेनल्टी है फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस विच मे क्यूमुलेटिवली एक्सटेंड अप टू 7% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और एपेलेंट ट्रिब्यूनल में कितनी है? एपेलेंट ट्रिब्यूनल में इसमें तो इम्प्रिजनमेंट भी है 3 साल तक की, या फाइन हो सकता है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में 7% है और एपेलेट ट्रिब्यूनल में 10%। ऐसे ही जो रियल एस्टेट एजेंट है उस पर कितनी पेनल्टी है? क्यूमुलेटिव पेनल्टी हो सकती है 5% तक। ठीक है, और एपिलेट ट्रिब्यूनल में जो रियल एस्टेट एजेंट पे जो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो 1 ईयर तक हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर अलॉटी को कोई ऑर्डर दिया ट्रिब्यूनल ने तो उस केस में कितना है? ये पेनल्टी लग सकती है अप टू 5%। ठीक है, और एपिलेट ट्रिब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर दिया जो आपने कंट्रावेंट किया तो उस केस में ये आप पर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 1 ईयर तक। तो आज के लिए काफी है मेरे ख्याल, बाय द होस्ट और पार्टिसिपेंट। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक्स सर। मैडम किसी का और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।